नमस्कार दोस्तों, मैं हूं विजय और स्वागत है आपको आप ही के YouTube चैनल टेक्निकल विजय में। दोस्तों अभी आप मेरे हाथ में देख पा रहे होंगे, ये एक है USB ब्लूटूथ वायरलेस डोंगल। दोस्तों इसका काम क्या है, अगर मान लीजिए आपके पास कोई भी ऐसा म्यूजिक सिस्टम रहता है जिसमें ब्लूटूथ नहीं है, या फिर कार में अगर आपका ब्लूटूथ नहीं है, तो ये USB डोंगल लगा के उसको आप जो है ब्लूटूथ इनेबल कर सकते हैं। इसका रेंज होगा दोस्तों 8 to 10 meters और ये वायरलेस 2.1 सपोर्ट करेगा। ये एक लोकल ब्रांड का है, चालू कंपनी का। तो इसका अगर आप कोई भी रेपुटेड कंपनी का माल लेने चाहेंगे तो उसके लिए आपको ज़्यादा पैसा देना पड़ेगा। इसका प्राइसिंग कोई ज़्यादा नहीं है, 100 से 120 के अंदर आपको ये मिल जाएगा। तो चलिए इसको एक बार खोल के देख लेते हैं और पता करते हैं कि कैसा ये काम करता है। तो दोस्तों ये है वो USB ब्लूटूथ डंगल, बिल्कुल पेन ड्राइव जैसा दिखने में है। ऊपर को ओपन करेंगे तो बिल्कुल पेन ड्राइव जैसा दिखने में है। तो चलिए इसको मेरे म्यूजिक सिस्टम के साथ मैं इसको कनेक्ट करता हूँ और आपको दिखाता हूँ कि ये कैसे काम करता है। तो दोस्तों ये है मेरा म्यूजिक सिस्टम, इसमें ब्लूटूथ नहीं है, तो इसके साथ मैं ये डोंगल को कनेक्ट करूँगा जहाँ पर USB पेन ड्राइव लगता है। तो यहाँ पर मैं इसको कनेक्ट कर दूँगा। अब कनेक्ट करने के साथ साथ देखिएगा यहाँ पर एक ब्लू कलर का लाइट ब्लिंक हो रहा है, यानी ये सक्सेसफुली कनेक्टेड हो चुका है। तो चलिए यहाँ पर ब्लूटूथ को सर्च करते हैं और इसको जो है ब्लूटूथ के साथ कनेक्ट कर देते हैं। तो देखिए यहाँ पर BT डोंगल लिखा हुआ आ रहा है, तो मैं इसको टैप करता हूँ और टैप करने के बाद इसको मैं फेयर कर देता हूँ। तो ये जो है अभी कनेक्टेड हो चुकी है। अब मैं सीधा YouTube ऑप्शन में जाऊंगा और आपको एक म्यूजिक प्ले करके दिखाऊंगा। तो यहां पर मैं सर्च कर लेता हूं NCS म्यूजिक और कोई भी एक म्यूजिक को यहां पर मैं प्ले कर देता हूं। तो ये म्यूजिक शुरू हो चुका है। तो दोस्तों ये एक छोटा सा डिवाइस का काम बहुत ही बढ़िया है, तो आप इसको परचेस कर सकते हैं। ठीक है, आपको ये ऑनलाइन भी मिल जाएगा और आप किसी भी अपने नॉर्मल म्यूजिक सिस्टम को ब्लूटूथ डिवाइस में कॉन्वर्ट कर सकते हैं इसके ज़रिए। तो दोस्तों इस वीडियो में फिलहाल इतना ही, मिलेंगे अगले वीडियो में, बात करेंगे किसी नए टॉपिक के ऊपर। तब तक के लिए टेक्निकल विजय का प्यार भरा गुड बाय।